Hello everybody, welcome back to my channel Techie Tuitions, and you are listening to Charu, your technical tutor. So we are in our lecture number 10 of the series Fundamental of Computer. और हमारे last video में हमने cover किया था input devices और इस video में हम पढ़ने वाले हैं output devices. तो चलिए देख देख के output devices होते क्या हैं. तो दोस्तों input devices की तरह output devices भी एक तरह के hardware होते हैं. जब भी कोई user data input करता है तो hardware उसे human readable language में change करके हमें result देता है और ये result को ही हम कहते हैं आउटपुट. और ये रिजल्ट टेक्स्ट, ग्राफिक, टैक्टाइल, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. जब भी कोई इनपुट डिवाइस सिस्टम पर डेटा सेंड करता है तो सिस्टम उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को सेंड करता है और आउटपुट डिवाइस इस डेटा को रिसीव कर लेता है. तो दोस्तों ये हो गया आउटपुट डिवाइस का छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं सम कॉमन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और हेडफोन. तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मॉनिटर होता क्या है. तो दोस्तों एक मॉनिटर कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि बिना मॉनिटर के हमारा कंप्यूटर ही इनकम्प्लीट है. क्योंकि बिना मॉनिटर के हम कंप्यूटर पर काम तो कर सकते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि काम हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है. सिंपल लैंग्वेजेस में बोला जा सकता है कि मॉनिटर सीपीयू और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. यूज़र जो भी इनपुट देता है या जो भी काम करता है उसका आउटपुट हमें ये सॉफ्ट कॉपी के तौर पर स्क्रीन पर शो कर देता है. अब इसमें हम फाइल, फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल किसी भी टाइप के आउटपुट को इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं. मॉनिटर बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, ओलेड मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर. और ये सारे मॉनिटर यूजुअली 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होते हैं, पहला एलईडी, प्लाज्मा एंड लिक्विड. चलिए तो अब देखते हैं कि आखिर प्रिंटर क्या होता है. तो दोस्तों हमारा मॉनिटर जो भी डेटा हमें सॉफ्ट कॉपी के तौर पर डिस्प्ले करने का काम करता है, प्रिंटर उसी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है. बेसिकली प्रिंटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को पेपर पर ईजिली प्रिंट कर सकता है. अब इसका रिजोल्यूशन DPI डॉट्स पर इंच पर बेस्ड होता है. इसका मतलब पर इंच जितने ज़्यादा डॉट होंगे प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बेटर होती है. अब दोस्तों प्रिंटर वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ दो ही टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है, पहली है इंकजेट और दूसरी है लेज़र. तो अब हम चलते हैं प्लॉटर की तरफ. दोस्तों प्लॉटर काफ़ी कुछ प्रिंटर की तरह ही होता है लेकिन इसमें प्रिंटर के कंपैरिजन में कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें जो इमेज क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है. इसके साथ ही इसमें जो कलर्स होते हैं वो भी बहुत सारे फॉर्मेट्स के यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा जहाँ हम प्रिंटर के थ्रू सिर्फ पेपर पर प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्लॉटर के थ्रू हम पेपर्स के साथ साथ कार्डबोर्ड, फैब्रिक, फिल्म, सिंथेटिक मटेरियल पर भी प्रिंटिंग ईजिली कर सकते हैं. इस पे जो रिजोल्यूशन होता है ग्राफिक्स का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इसकी एक्यूरेसी प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. तो अब बारी है स्पीकर की. दोस्तों स्पीकर एक ऐसा हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में दिए गए इनपुट के आउटपुट को हमें ऑडियो के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराता है. इसमें से जो भी साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो एक्चुअली किसी और हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू बनाया जाता है जिसका नाम है साउंड कार्ड, और ये कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल रहता है. दोस्तों स्पीकर का यूज़ टीवी, रेडियो, टेलीफोन, चिल्ड्रंस टॉयज और भी बहुत सारे डिवाइसेस में किया जाता है, और लैपटॉप और टेलीविज़न जैसे डिवाइसेस जिसमें स्पीकर पहले से अंदर फिट किया जाता है उसे हम कहते हैं इनबिल्ट स्पीकर्स. अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेडफोन्स की. दोस्तों हेडफोन्स भी काफ़ी कुछ स्पीकर की तरह ही होते हैं. हम हेडफोन्स को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके उनके साउंड सिग्नल्स को सुन सकते हैं लेकिन इन्हें ईयरफोन्स भी कहा जाता है. वो इसलिए क्योंकि ये यूजुअली प्राइवेटली ऑडियो को सुनने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जहाँ स्पीकर के थ्रू बहुत सारे प्यूपल्स एक साथ आवाज़ सुन सकते हैं वहाँ हेडफोन्स को हम प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यदि हम बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया में हैं और हमारा मन चाह रहा है कि हम म्यूज़िक सुन लें तो उसके लिए हम हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच.